भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया में पहली बार किसी देश में एक दिन में 3.25 लाख कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए कोरोना केस आए हैं और 2,104 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,78,841 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को देश में 2,95,041 नए केस आए थे। अमेरिका में 8 जनवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 केस दर्ज किए गए थे। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वेरिएंट के मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 500 नए मामले, शुक्रवार को 600 नए मामले, शनिवार को 400 नए मामले, रविवार को 500 नए मामले, सोमवार को 300 नए मामले, मंगलवार को 500 नए मामले, बुधवार को 200 नए मामले और आज गुरुवार को 500 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 9,835 से 10,335 हो गई है। जहां पहले ये 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 400 से 500 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।